इतनी जल्दी कौन बच्चा उठ जाता है भाई, इतनी जल्दी कौन बच्चा उठता है। ये तुम चुपचाप सरगी खा लेती, अमेश होती रहती है ना, मैं भी खाऊंगी, खाएगी। क्या खाएगी? तू कह रहा मिकी मेरे को भी उठा देना सरगी में, कैसे भी करके अच्छा मेरे भुताने डाल के कैसे भी करके मुझे भी उठा देना। ओ वा देख लो काका, हां वा देख लो, थोड़ी हो वॉइस टेस्ट करनी। कह रहा जैसे मूवी उसमें दिखाया था ऐसी करोगे, मैंने कहा ऐसी करेंगे, चलो मुझे भी उठा देना। अरे बच्चे ले सरगी के, ओए लड़की क्या मजे ले रही है तू सरगी के? दीदी फोटो वीडियो कौन बनाई कुछ भी? सुबह 10 बजे चलो रही है करवा चौथ, जाओ सो जाओ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रशीदास ब्लॉग। कैसे हैं गाइज आप लोग? हैप्पी करवा चौथ, आप सबको करवा चौथ की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका व्रत अच्छे से हो। और अब भी उठे हैं मॉर्निंग में सर्दी खा के दोबारा, तो मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ जो हमारा मेरा सूट आया है बनके, अभी मैं वियर करूँगी इसको। सो ये वाला सूट है, बहुत ही प्यारा है, ये मुझे इंस्टा के पेज से रिसीव हुआ था। और इतना प्यारा दुपट्टा है, इतना प्यारा सूट है, ये बहुत ही सुंदर है। पेज तो मैं आपको इंस्टा पे ही मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल लेडीज, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। OMG आज के दिन दो दो मंगलसूत्र पहने बैठी है ये लेडी। अरे यहाँ तो खुलवाने बैठी मैं। अच्छा बड़ा वाला मैं क्या उतार लूं, मैं जहाँ एकदम से कहा मैं कि यू क्या चक्कर है। और देखिए आप लोग कहते हैं हमेशा अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाइए, देखिए इसकी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखा दे, दिखा दूं आज, आज दिखाई दे तू, दिखा दूं। कह रही है चलो मैं निकाल ही लेती हूँ, इनका बनेगा क्या, जैसे तैसे निकलवाई है वो। वाओ, तो ये सेट है और इसके साथ की ये झुमकी है और रिंग भी है, वो पहनूंगी इसके साथ। और पहन के दिखा, अभी मैं सोच रही जब पहन लेते पूरा रेडी, हल्का सा लुक आ जाएगा ना जब पहन के दिखा रही है। ये मैंने लास्ट टाइम जब पहना जब लवी की गोद भरने गए ना। अच्छा जब से पहने ना, वहाँ एक नंबर आया, इतना भारी है, सुंदर है। और मेरा डिजाइन क्या बना दिखाई मेरा सेट का, मैं और मेरा डिजाइन बना दिया सुना बाप के साथ बच्चा ऐसा तो होना चाहिए। देखो कोई ना यहाँ तू भारी घर वाले पर यू हल्का पहना जाएगा, भारी तो पहना ही ना जाता, वो एकदम अकड़ा पड़ा ना गले में, पहना ही ना जाता यू। मैं हमारे ना भारी करवाती, मम्मी हमेशा कहती रहती तेरा मन करे तो तू करवा ले, मैंने कि ना बनेगा क्या फिर यू, बस थोड़ी बहुत देर ही पहना जाएगा। हाँ वो की बढ़िया, पहले यह मंगलसूत्र खोल, उस साथ में अलग खोलूंगी खोलूंगी। और मेहंदी दिखा अपनी बढ़िया यार, रिंग उतार के एक साथ वाली रिंग पहनूंगी पर रखती।
तो जो इतनी जितनी आज पहननी थी वो इसने ज्वेलरी मंगा ली अपनी, कल भेजे हमने पापा लॉकर से ले आओ, कल वापस भेजेंगे, रख के आओ। जून की बहुत देखिए, और उसकी बहुत ही सुंदर सी झुमकी जिन पर मेरा हमेशा नींद पड़ी रहे झुमकी इन पे। बहुत है अब चूड़ा के साथ कहाँ कड़े आ रहे हैं, और अभी मैं दिखाती हूँ अपनी, ये है मेरा मंगलसूत्र, तेरा कौन ये पहने बैठे, और मेरे वो दिखा दे और क्या चीज है, सेट के साथ के ना निकाले कौन इनके, सेट के साथ के निकाले, कौन से पहनूं, ये तो बड़े वाले सेट के हैं ना, लंबे वाले के, ये आज मैं पहनने वाली हूँ, ये सेट है, ये मंगलसूत्र है, ये इयररिंग्स एक साथ मैच कर देंगे। मुझे सुन हमें तो ये दोनों तो हो गई रेडी, मम्मी भी और दीदी भी, मेकअप कम हुआ भी यही बैठे हैं, बढ़िया लग रही है ऐसी भी बिना मेकअप के, नहीं इतना तो है नॉर्मल बिंदी लिपस्टिक सिंदूर बेसिक चीज है, बस तो और तो यूं कहते थोप नहीं है, बाकी बेसिक तो है जो होना चाहिए, सिंदूर बिंदी है बेसिक, तो हाँ बेसिक यही है ना, सोलह सोलह सिंगार करें पूरे, हो गए कानन के रहेंगे, और एक फूल लगा ले, ये बेसिक में रहे हैं ना जो सोलह सिंगार रहे हैं, तो वे क्या क्या कर रही है, करवा चौथ पे व्रत रखा है क्या, मम्मी आने व्रत रखा, हम यकीन है कुछ खाई ना रहे हो, नहीं बदल ले बेटा, अभी आपका लट्टू चल गया सॉस है ना, मिकी पराठे के साथ सॉस खाएगा ना, फिर सो मैं हो गई गाइस रेडी, और मिलते हैं वाली पूजा करेंगे, अपनी कथा सुनेंगे, जो लोटा भी तो धले जाएंगे, दो लोटा धले जाएंगे, चार चार ले आओ, चार लाओ ला लिया, तो बेटा को ऐसे आइए वाला फोन कर, फोन ही सबके फोन ने फोन घेर दिया, अरे मेरा राजा कर सोदा गई है भगवान ने भाग, फोन ही ना चल सब क्या कह रही थी, भूजा में किसकी बहु है, फोन है मैं नाम नाम लिखा, बहु राजेंद्र क्या हूँ ऐसी
गम में ना तुम्हारे में कोई जो कह वो तो जोर किया हमसे तू का तू भी देखी है हमने वहां पर मैं भी तो दे दिया ना मैं बच्ची से अच्छी तरह रखे कर मैं तो कह चली जाऊंगी चली जाएगी जब भी आएगा रहेगी वीडियो बन तो गई और का है मैं सब में देख रही हूँ एक बुढ़ी आई वहां के सात बेटा है एक बेटी बेटी हमको निकाल के बारे बालक ना को रही ना अपना भैया का सुहाई करेगी मैंने पाप ले लिया मुंह की है सारे में तुम्हारी वीडियो में बच्चे लगो ऐसी मेरी तुम्हारी तरह की।
सो गाइज मैं अभी हो रही हूँ दोबारा से रेडी, फिर से फेस करके। मैं बहुत जल्दबाजी में करा था, डीवा रो रही थी और कहानी सुननी थी, तो मैंने बस थोड़ा बहुत करा। अब मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ शाम के लिए। मैंने तो मीठी के लिए रखा। तो थर्ड ड्रेस में आ गई है सुबह से, चाची की सुबह से ये की ड्रेस है, मम्मी की भी एक ड्रेस है, मेरी दूसरी है, चीकू का भी एक ही पट्टा, वही पट्टा पहन रखा है चार दिन से। चीकू का व्रत रखवाया तुमने? चीकू को ब्याह ही ना करा, बेचारे की भी ब्याह ही ना, यानी सरगी चले गए और कथार सब अटेंड करिए और व्रत खुलवाएगी। मजे तो मीकी खाना ले रहे हैं, मीकी खाना ले रहे हैं, थाली ले जाओ। अंकल बढ़ती है ना, अभी देर ऊपर देंगे, ऊपर वैसे गिफ्ट मिल चुका पर मैं लूंगी ऊपर ही। सही है, उधर भी सरप्राइज है, हमें अपना भी चेंज करने में भी। ना आप तो यू फेर दियो ना, तो मेरा यू है, आपका यू है, सही। अब थोड़ी देर बाद भी पिला रही दूध में, तो खाओगी जल्दी से करिए आप। चलो ये गिफ्ट, अरे वाह, ओहो मौज कर दी भाई, मौज कर दी।
खो दी ना, खोलो इसको, क्या है? वैसे मैंने आज अनबॉक्स कर रखा, फिर भी मेरे को पता क्या है। तो बता पता है, ऑक्टोपस नहीं, ऑस्ट्रिच के एग्स हैं। उसका ऑमलेट खिलाएंगे मम्मा को। ये मेरे एप्पल के फोन से कैसे कनेक्ट होगी? हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा बेटा, मैंने इतने बड़े दिन पर मम्मी ने कुछ गिफ्ट दिया है, तो मम्मी का ऐसा कुछ करेगा? मैंने अभी तो बोला नहीं पहनती मैं वॉचेस। यही तो निकाल ले से। सुंदर है ना, मुझे पता तेरे को पसंद आएगी। मैं ले गया गया था एप्पल की लेने, पर एप्पल की मिली ना आउट ऑफ स्टॉक की, तो मैं चल कोई ना एम आई की ले लेता हूँ। सस्ते में कॉम होगा। सो हम जा रहे हैं तुम्हारे घर। सो अभी जो आपने खाना देखा, ये आया था चाची के घर से मम्मी के लिए। अब हम जा रहे हैं चाची के यहाँ पे। हमने सुबह ही वो सब पूछ के उनको दे दिया, तैयार करवा देते हैं अपने मम्मी के चाची के कपड़े पहले ही, ताकि उस दिन हम अपने पहन सकें। एंड काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि पिंकी दी के घर का ब्लॉग बनाई। देखिए ऐसे रेगुलर में तो जाना नहीं हो पाता, हम कभी फेस्टिवल पर ऐसे कभी जाते हैं, तो आज गए हैं, आज उनके घर का भी ब्लॉग बना दिया। सो फास्ट खोल लिया, अब आए खाने खाने की बारी। बहुत तेज भूख लग रही है, 8:30 बज पूरा था, 10 बज गया, डेढ़ घंटा फिर भी हो ही गया फालतू। सो खाना खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी हो रहे हैं रात के 12:30 बज रहे हैं, और डीवा बहुत मुश्किल से सोई है, इतनी ज़्यादा रो रही है, जैसे मैंने खाना मुश्किल से खा पाई। मैंने जब व्लॉग ख़त्म करा, बीच में जहाँ पे भी एंड करा था वहाँ पे मैंने फ़ोन ऐसे रखा था, मुझे याद है, और उसके बाद से ये कंटिन्यू रोई है 2.5-3 घंटे। एक्चुअली क्या हुआ, अभी डीवा जस्ट 4 मंथ की हुई और उसको टीथ आ गए हैं, उसकी टीथ की प्रॉब्लम। मैंने ये बात आपसे पहले भी शेयर करी थी कि जब ये हुई थी तो मुझे ऐसा फील हुआ था, हमें सबको फील हो रहा था जिसके टीथ आ रहे हैं, बट उस टाइम नहीं आए थे, लेकिन अब उसको टीथ आने स्टार्ट हो गए हैं और वो थोड़े थोड़े दिखने भी लगे आज ही जैसे हमने देखे। और ये आज तो बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी उसको डॉक्टर के लिए जाना है, दिखाना है, कुछ उसके लिए मेडिसिन या कुछ देंगे। तो बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब परेशान हो गई। तो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो पर तुम्हें हे फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।